इस मूवी का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक नोटबुक दिखाई जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि जिसका इस नोटबुक पर नाम लिखा जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके घर के बाहर यही नोटबुक पड़ी होती है। उस पर यही लिखा हुआ था कि जिसकी अभी उस पर नाम लिखेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। यही डॉक्टर एक पेशेंट के चेकअप के लिए जाता है। वही पेशेंट डॉक्टर से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ ऐसा करें कि मैं मर जाऊँ। अब ये डॉक्टर उसी नोटबुक ऊपर उस पेशेंट का नाम लिख देते हैं और देखते ही देखते उस पेशेंट की मौत हो जाती है। अब इस डॉक्टर को उस नोटबुक के बारे में और भी बातें पता चलती हैं। वह यह था कि जिसका भी हम नाम उस नोटबुक पर लिखेंगे उसका नाम रियल होना चाहिए और उसकी शक्ल हमारे जहन में होनी चाहिए और साथ ही साथ हमने उसे देखा भी हो। इसके अलावा हमें ये भी बताया जाता है इन बुक्स के होल्डर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिंह में आइस होती हैं। ऐसी आंखों वाले लोग जिस इंसान को भी देखते हैं उस इंसान के सर पर उसका नाम लिखा हुआ नजर आता है और जब वो अपनी नोटबुक पर यानी कि डेथ नोटबुक पर उन लोगों का नाम लिखेंगे तो उन लोगों की डेथ हो जाएगी। यह मूवी एक्चुअली में डेथ नोट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें लाइव दिखाया गया था, इसमें डेथ नोटबुक का यूज किया गया था और अपने आप को किराए के नाम से फेमस करवाया था और लाइट को मारने के लिए एल को हाई किया गया था। अब इस मूवी में 10 साल बाद का टाइम दिखाया गया है और जो लोग क्राइम करते हैं और टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों की अजीब तरह से डेथ हो रही है और बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कीरा वापस आ गया है, कोई है जो डेथ नोटबुक का यूज कर रहा है। अब इन सब के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाती है। अब उसका हेड रवि जी को रखा जाता है। रवि जी की एल का बेटा है। एल वो इंसान था जिसने लाइट को रिवील किया था और लाइट वो इंसान था जिसने 10 साल पहले नोटबुक का यूज किया था। अब मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की को डेथ नोटबुक मिली है और वह कहती है कि मैं कीरा से भी ज्यादा अच्छा नोटबुक का यूज करूंगी। यहाँ टास्क फोर्स को यह खबर मिलती है कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं और बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की इस डेथ नोटबुक का यूज कर रही है। इन्हें बताया जाता है कि लड़की ने हुडी पहना हुआ है, वो डेथ नोटबुक का यूज कर लोगों को मार रही है। अब टास्क फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। अब उनको पता चलता है कि उस लड़की के पास सिंघमी आइस है। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, जिन लोगों के पास सिंघमी आइस होती हैं उनको उस इंसान का नाम उनके सिर पर लिखा हुआ नजर आ जाता है। अब ये लड़की लोगों का नाम पढ़ रही है और उस डेथ नोटबुक पर लिख रही है और लोगों को मारती जा रही है। अब टास्क फोर्स मौके पर पहुंच जाती है और ये लोग इस लड़की से उस डेथ नोटबुक को ले लेते हैं और उस लड़की को कोई मार देता है। वहां पर कोई और भी होता है जो डेथ नोटबुक पर उस लड़की का नाम लिख देता है और उस लड़की को मार देता है। यहाँ टास्क फोर्स उस नोटबुक को रख लेते हैं और वो लड़की मर जाती है। वहां पर सब लोग उस नोटबुक को टच करते हैं तो उस नोटबुक का ओनर सामने आ जाता है। जैसे कि ये रूल है, डेथ नोटबुक को जब लोग टच करते हैं तो उसका ओनर सामने आ जाता है। इस नोटबुक का ओनर इन लोगों को बताता है कि इस दुनिया में 6 टोटल नोटबुक हैं। लोग इससे पूछते हैं कि नोटबुक इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वह कहता है इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ह्यूमन वर्ल्ड में 6 नोटबुक ही अलाउड है। अब टास्क फोर्स का टास्क ये था कि 5 नोटबुक्स को ढूंढना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लैपटॉप मोबाइल मॉनिटर में कीरा वायरस फैल जाता है, यानी कि हर लैपटॉप मोबाइल मॉनिटर कीरा की वीडियो चल रही थी, सबके लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह हैक हो चुके थे। कीरा अपनी वीडियो में ये बता रहा था कि नेक्स्ट कीरा वो होगा जो सभी नोटबुक्स को इकट्ठा करेगा, इसके बाद वो मुझसे मिलेगा, मेरे पास एक नया प्लान है, मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर पीस होगा। यहाँ पर टास्क फोर्स में एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है क्या लाइट की डेथ हो गई थी, तो वह कहता है हाँ लाइट की डेथ हो गई थी, मेरे सामने हुई थी। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि अगर लाइट की डेथ हो गई थी तो न्यू कीरा कौन है जिसने नोटबुक्स को इकट्ठा करने का मैसेज दिया है। साथ में हमें यह भी बताया जाता है कि इन ऑफिसर ने एक दूसरे को रियल नाम नहीं बताए हुए हैं क्योंकि कीरा इनमें से कोई भी हो सकता है और अगर रियल नाम पता हो तो रियल नाम उस नोटबुक पर लिखेगा और इस तरह से इन लोगों की भी डेथ हो सकती है। इसलिए ये एक सीक्रेट टास्क फोर्स थी।